अरे गुड मॉर्निंग, कैसे हो? पढ़ते बढ़िया होंगे। मेरा नाम इंजन हुआ, आप देखो इंजन बस हो गया। सुबह के हो चुके हैं 11:30 और मैं उठ गया हूँ। थोड़ा रात में बारिश होने के कारण से नींद बहुत अच्छी आ रही थी। यस, चलते थोड़ा फ्रेश होकर मिलते हैं आप लोगों से। तो भाई से फाइनली हम फ्रेश हो चुके हैं और अब ब्रेकफास्ट करना। यस, तो हमने अभी ऑर्डर किया है जोमेटो से ब्रेकफास्ट। देखते हैं, आप लोगों को भी दिखाएंगे। हमने वो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा वो खाने का। मैंने खाया उस वैराइटीज़ का, बट जो आज मंगा रहा हूँ वो कभी नहीं खाया हूँ। तो इस वेट करते हैं, 10 मिनट और वेट करना है, उसके बाद वो आ जाएगा, तो फिर दिखाते हैं आप लोगों को। तो भाई साहब, फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है। ब्रेकफास्ट में आपको डोसा, एक मसाला डोसा मंगाया है हमने और एक ओनियन डोसा। चले दिखाते हैं। तो ये देखते हैं, इसमें है डोसा सब। इसको निकालते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। यस, जब इसमें है डोसा बोलते हैं भैया, नहीं कि मंगवाने में मज़ा नहीं आता, वो वाला फील नहीं आता। ये है मेरा ओनियन डोसा। यस, खाते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से। चलिए भाई ट्राई करते हैं। बहुत हेवी डोज में दे दिया ये। फाइनली इसको डोसा वो खाते हैं। पनीर खाया हुआ था मैंने पहले, पनीर डोसा खाया था मैंने अपने समस्तीपुर में, बट यहाँ फर्स्ट टाइम खाया ओनियन डोसा। ठीक लग रहा है। तो भाई साहब, ये अकेले हमसे ख़त्म नहीं हो पा रहा है, कोई हमारा साथ देने वाला है नहीं जिसको ख़त्म कर दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा और हेवी डोज हो जा रहा है। और दिखाते हैं, अभी भी बहुत सारा बचा हुआ। देखें, ये देखें, इतना अभी भी बचा हुआ, क्योंकि एक और लोग होते तब ख़त्म हो जाता। हमारा इतना खाया हुआ, वो अब मेरे से नहीं हो पाया खाया हुआ। इसको तो कवर किया रख देते हैं, यदि मन किया बाद में खाने का तो खा लेंगे। बेकार भाई है, नहीं हम लोगों से ये नहीं खाया जाएगा भाई। तो भाई, हमने समस्तीपुर में भी जब मंगाया था पनीर डोसा, तब भी मैंने नहीं खा पाया। उसमें कभी पनीर खा लिया था, छोड़ दिया था, बट आज ये ओनियन डोसा मंगाया है। ये भी इसी तरह नहीं, हम लोग की बस की बात नहीं है भाई साहब। हम लोग देसी लोग हैं, रोटी चावल ही खा सकते हैं हम लोग, ये सब नहीं खा सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं। चलिए हाथ वाथ धोते हैं, चाय पीते हैं। और ये भी हो सकता है शायद कि हमने मंगाया वो ठंडा हो गया, क्योंकि सामने में आता जो फ्रेश, उसको खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। खैर कोई नहीं, जाए थे तो आप लोग ब्लॉग में लास्ट तक बने रहें, और चैनल पर न्यू आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो भाई साहब, फाइनली हम नहा के रेडी हो चुके हैं। इससे पहले हमने आज क्या क्या किया दिखाते हैं, चलते हैं। क्योंकि आज हमने किचन को थोड़ा साफ़ सुथरा कर दिया है, बहुत दिनों से गंदा था। चलें वहीं पे मिलते हैं डायरेक्ट। ये रहा हमारा किचन, इसको साफ़ कर दिए अभी थोड़ा, इतना बेहतर से साफ़ हो गया। अभी इधर थोड़ा अनभन बना हुआ, इसको भी सही करना है, इस वाले को। उसके बाद मैं फ्रक्ट नीट एंड क्लीन हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, इसको साफ़ कर दिए और बच गया ये, उसको भी कर देंगे एक दो दिनों में। इसको फ्रिज का नंबर है, फ्रिज को भी साफ़ करना। उसके बाद फ्रिज भी अंदर से बहुत गंदा हो गया। यस, बने रहे हम बाद में थोड़ी देर बाद। भाई साहब, अभी शाम के बज चुके हैं 7 और चलते हैं अभी मैगी बनाते हैं। वैसे मैं मैगी खाता नहीं हूँ, बट मेरे पास पहले से पड़ा हुआ 2 पैकेट था, तो आज एक को बना देता हूँ। मैंने बहुत पहले लाया था, अभी एक्सपायर नहीं हुआ। ये चलते हैं बनाते हैं और दिखाते हैं। भाई साहब, फाइनली अभी इसमें मैगी मैंने बॉयल कर रहा हूँ। फाइनली बॉयल हो चुका है और अब इसमें ऑयल गर्म कर रहे हैं, क्योंकि मैं अपने तरीके से बनाऊँगा आज। इसमें ऑयल गर्म कर रहे हैं, अब तक ओनियन काटते हैं। फिर भाई साहब, मैंने ओनियन को काट लिया थोड़ा बारीक, और टमाटो और हरी मिर्चा भी काट लेते हैं जब तक ऑयल गर्म होता है। फिर इसमें डालेंगे ये सब, प्याज व्याज सब डाल देंगे इसमें। ओनियन को भूनते हैं, फिर ओनियन को भूनने के बाद टमाटो डालेंगे। तो फाइनली हमारा ये ग्रेवी इसमें लगा चुके हैं, और इसको पौधे बॉयल होने देंगे ताकि इसका हल्का ड्राई हो जाए। ग्रेवी भी कुछ ज़्यादा है, उसको फिर खाएंगे। तो यस, ये रेडी फाइनली अब होने वाला है, फिर खाते हैं और बताते हैं स्वाद कैसा है। यस, तो भाई जब खाने में स्वाद कैसा लग रहा है? बहुत मस्त बना भाई साहब, आप लोग भी इस तरह ट्राई करें। गर्म तो थोड़ा मुँह जल रहा है। चलिए अब खाते भी मिलते हैं। ना जी मैंनु छड़ के नहीं जाना कभी, झूठे वादे सही दिल से निभाना। चलिए अब दूध ले लेते हैं इसमें से। दूध हमको इसमें नाप के रखना पड़ता है, क्योंकि एक्स्ट्रा बन जाता चाहे तो बर्बाद चला जाता है भाई। कभी लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना, कभी मैं हूं तारा तेरा जान बन जा। जब तक इसको बॉयल होने देते हैं, दूध हमने डाल दिया है, ये बॉयल हो जाएगा, फिर इसमें हम चीनी और चायपत्ती डालेंगे। यस, फिर इसको लो फ्लेम पर हम इसको थोड़ा देर बॉयल करेंगे। भाई साहब, मैगी खाने के बाद अब मज़ा बिल्कुल आ गया है। बहुत दिनों के बाद हमने खाया, करीबन 3-4 महीने बाद खाया, घर पर शायद तक तब खाया था। वैसे मैं मैगी वैगी बहुत कम खाता हूँ वैसे भी, तो बस बने रहे ब्लॉग में। चाय वाय पीते हैं, चाय मैंने बना रहा है, आपने देखा ही होगा।
चाय तो बनाने का फुल एक्सपीरियंस है भाई साहब। हमको चाय हमसे जितना बनवा लो उतना चाय मैं बना दूंगा। चाय के मास्टर ही हो बाबा, मास्टर बाबा चाय। चले बने रहे, चाय पीते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अपने टाइम टेबल के हिसाब से चलेंगे आज। ऐसा करने के बाद फिर वर्कआउट करूँगा थोड़ा, उसके बाद फिर मिलूँगा आप लोगों से। यस भाई साहब, अभी रात के बज चुके हैं 11:30 और मैं खाना खा रहा हूँ। सो खाना में कुछ खास तो है नहीं, हमने पिछले दिन बताया था मालदे आम लाया था, वो अभी भी बचा, वो मालदे आम है। और सुबह में जो हमने बनाया मंगवाया था डोसा, वो बहुत सारा बच गया था हमारा। और रोटी है और कढ़ी है, दिखाते हैं आप लोगों को पैक कैमरा से। यस तो भाई साहब, ये है डोसा जो हमने मंगाया था, बच गया था बहुत। देखें अभी भी इतना बचा हुआ है। और इसका डोसा का सब्ज़ी है, उसमें तो क्या है पता नहीं, इसका नाम मुझे नहीं पता भाई साहब। और ये रहा आम और ये रहा कढ़ी। ये कढ़ी हमारे आंटीगंज से आया है। चलिए खाते हैं करीब भी मिलते हैं। तो भाई साहब, हमारा खाना हमारा सब डन हो चुका है और हमने अभी खाया था कढ़ी। कढ़ी खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। और सुबह का ब्रेकफास्ट का हमारा जो बैड एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हमने पनीर डोसा खाया हुआ था और ओनियन डोसा फर्स्ट टाइम खाया मैंने, तो ओनियन डोसा खाने में बिल्कुल भी बेकार लगा, वो भी यहाँ का। हो सकता है ठंडा होने के कारण से मज़ा नहीं आया होगा, बिल्कुल भी हमारा वेस्ट चला गया। बट थोड़ा बहुत खा लिया जो खाना था, क्योंकि दाना मीन्स खाना को जो भी होता उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए बर्बाद करके पाप नहीं करना चाहिए, मतलब गुनाह नहीं करना चाहिए, इसलिए हमने खा लिया ज़बरदस्ती जैसे भी खाया। सो कोई नहीं, फर्स्ट टाइम खाया वो भी बैड एक्सपीरियंस रहा, खैर कोई नहीं आज। तो भाई साहब, मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि नेट हो सकता है बंद हो सकता है, बट यहाँ का दिल्ली का नेट नहीं बंद हुआ है। सो हमारा ब्लॉग आ रहा है और इंशाल्लाह रेगुलर ब्लॉग आएगा डेली 5:00 PM, देखना भूलिएगा मत। सो डेली का डेली ब्लॉग आप लोग हमारा देखते रहेंगे और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो होप कर दूंगा आज का ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कैसा लग रहा है हमारा ब्लॉग। सो अपना कीमती वक्त निकाल के हमारा ब्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक ताजे और फ्रेश ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।